स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान के बीच में अब प्यार की शुरुआत साफ साफ दिखाई दे रही है। ईशान ने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी सभी को सॉरी कहने के लिए और उसे कन्विंस करने के लिए कि वो रामटेक न जाए, पुणे में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। उसने सभी से ये भी कहा था कि अगर वो उसका लेक्चर अटेंड करने आती है तो वो समझ जाएगा कि सभी ने उसे माफ़ कर दिया है। इसके बाद सभी अब ईशान को पर्सनली कॉल करेगी और कहेगी मेरा फेयरवेल है और क्योंकि आप मेरे इस जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस फेयरवेल में आओ अगर आपकी इच्छा हो तो। ईशान सभी से कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा फेयरवेल में। अपने लेक्चर में जब ईशान सभी को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है कि सभी ने उसे माफ़ कर दिया है और अब वो शायद रामटेक वापस जाने का ख्याल छोड़ देगी। लेकिन सभी ये बात एकदम क्लियर कर देती है कि वो लेक्चर में सिर्फ इसलिए आई है कि उसने ईशान को माफ़ किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रामटेक वापस नहीं जाएगी। रामटेक वापस जाने का ख्याल उसका पक्का है। उधर दूसरी ओर ईशा और शांतनु दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि ईशान को कोई ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो उसकी एकदम टक्कर की हो। तभी शांतनु भी ईशा की बात से सहमत होता है और जैसे ही ईशा आगे कुछ कहती है शांतनु कहता है ईशान के लिए सभी ही एकदम सही लड़की होगी। ईशा भी सभी का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सभी के फेयरवेल में भी बहुत रोमांस होने वाला है। सभी और ईशान के बीच में टिपिकल फिल्मी ड्रामा देखा जाएगा जहां सभी लाइट्स के बीच में फंसी रहेगी वहां ईशान सभी को उसी से छुड़ाने जाएगा और पता चलेगा कि वो खुद ही उस लाइट्स के बीच में फंस गया है। फिर दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में बातें होंगी और रोमांस भी होगा। आजकल ईशान सभी के सीन्स को देख कर ये साफ साफ बताया जा सकता है कि दोनों के बीच में फाइनली प्यार की शुरुआत हो चुकी है। नहीं तो पहले दोनों को एक दूसरे से झगड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। आप हमारी बात से कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।